कहते हैं कि किस्मत वो चीज है जो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकती है। ये बात एक बार फिर सच हो गई। दरअसल पंजाब के मोहाली में एक बुजुर्ग महंत की 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। वही खबर मिलते ही उनके घर में जश्न का माहौल बन गया। लोगों से उनको बधाइयां मिलने लगी, जो कि अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला पंजाब के मोहाली में स्थित डेरा बस्सी का है, जहां त्रिवेदी कैंप गांव में रहने वाले एक मंदिर के महंत द्वारिका दास 5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत गए। बताया जा रहा है कि लॉटरी का ये टिकट महंत द्वारिका दास के पोते ने अपने दादा के नाम पर जीरकपुर से खरीदा था। वहीं मीडिया से बात करते हुए द्वारिका दास ने कहा कि उनको बेहद खुशी हो रही है। वो करीब 35-40 सालों से लॉटरी टिकट खरीद रहे थे, लेकिन अब उनके भाग्य का पिटारा खुल ही गया। साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि वो लॉटरी में मिले इतने पैसों का क्या करेंगे, तो दास ने कहा कि जीते हुई रकम को वो अपने दोनों बेटों और अपने डेरा में बांटना चाहते हैं। इसमें क्या कैसा लगना, सबको खुशी होती है, कोई गम तो होता ही नहीं। लॉटरी बांधन कम से कम भी 35-40 साल हो गया। 40 साल बाद निकली है लॉटरी आपकी जाकर, तो अभी इतने पैसों का क्या करने वाले हैं जी आप? वो कहने इन्हें पैसा की करना, किस तरह करना है यूज? मैं क्या करना है, दो बच्चे ने, एक ये डेरा है जिसमें बैठा हुआ हूँ, तीनों को बराबर में हिस्सा बांट लेना। दूसरी ओर महंत द्वारका दास के बेटे नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मेरे पिता ने मेरे भतीजे को लॉटरी टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए थे। हम लोगों को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम लॉटरी जीतेंगे, लेकिन हमने लॉटरी जीती है और हम सब इस बात पर बेहद खुश हैं। मेरे फादर साहब ने लॉटरी मेरे भतीजे को पैसे दिए थे, जाके लॉटरी डाल दो तो उनकी निकली। कितनी खुशी हो रही है। परमात्मा ने हमारी जो हम डोन फार्म में चल रहे थे, परमात्मा ने फिर सुन ली हमारी। फिलहाल बुजुर्ग महंत द्वारका दास का लॉटरी जीतना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई उनको इस जीत पर बधाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।